क्या भारत कभी सुपर पावर बन सकता है? आज बात हम उसी पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है मार्टिन वुल्फ। उन्होंने एक लेख लिखा है और लेख में लिखा है कि पश्चिमी देशों में नेता सोच समझकर भारत पर दांव लगा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी निश्चित रूप से दुनिया में तेजी से एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है और 2050 तक इसका आकार अमेरिका के बराबर हो जाएगा। वुल्फ ने द फाइनेंशियल टाइम में लिखा है कि मैं मानता हूं कि भारत 2050 तक प्रति व्यक्ति जीडीपी की ग्रोथ को 5% या इसके आसपास बनाए रख सकता है। बेहतर नीतियों से ग्रोथ ऊंची भी जा सकती है, हालांकि इससे कुछ कम भी रह सकती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत चीन प्लस वन स्ट्रेटेजी को अपनाने वाली कंपनियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। बड़े घरेलू बाजार की वजह से इस मामले में दूसरे प्रतिद्वंदी की तुलना में भारत लाभ की स्थिति में है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वहीं परचेसिंग पावर के मामले में भी दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है। संयुक्त राष्ट्र का भी यह अनुमान है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.67 अरब पहुंच जाएगी, जो अभी 1.3 है। भारत के बैंकों का बही खाता बेहतर हो गया है, लोन ग्रोथ भी अब बेहतर प्रकार से और आकार ले रहा है। आगामी दशकों में भारत की इकोनॉमी और आबादी दोनों जो हैं तेजी से बढ़ेंगी, जिसकी वजह से भारत चीन को टक्कर देगा। भारत के पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं, जो एक अच्छी बात है। और आपने पूर्व में भी देखा होगा कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी, जो अपने कभी प्रतिद्वंदी रहे नरेंद्र मोदी का, वॉशिंगटन में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो वहीं फ्रांस के भी राष्ट्रपति ने पेरिस में मैक्रॉन ने मोदी को उतनी ही गर्मजोशी के साथ अपने गले लगाया, जो कि यह दिखाता है कि भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं। यह ऐसे देश हैं जो कि चीन से थोड़ा सा दूर हैं और भारत को अपने गले लगाने की एक अलग ही वजह भी है चीन के लिए भी, जो कि चीन के लिए शक्तिशाली प्रतिद्वंदी साबित हो सकता है। 2050 तक भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी उसी स्तर पर होगी जहां पर आज चीन है। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।